मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ईसु स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे बहुत अच्छे होंगे। सो आज रोजा ख़त्म हो चुका है। आज है फिफ्थ नंबर डे, मतलब जैसे कि मैंने बताया था, आज है बसुमती स्नान, दैट मीन्स लक्ष्मी स्नान भी हम जिसे बोलते हैं। आज लेडीज़ अच्छे से नहा धो के घर को अच्छे से साफ सफाई करके भगवान जी की पूजा करती है। तो आज भगवान जी की पूजा हो चुकी है, अभी हो रहा है 10:30 बजने वाले हैं एंड मैं खाना अभी तक नहीं बनाई हूँ। एक रैंडम सा ब्लॉग होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है खाने में भी। मैं सिंपल सा खिचड़ी बनाऊँगी आज। और अभी दिन स्टार्ट हो चुका है, साढ़े देख सकते हैं क्लाउडी हो रखा है मौसम, देख सकते हैं बाहर, मतलब पूरा क्लाउडी हो रखा है, बारिश हो रहा है, मॉनसून आ चुका है। तो मॉनसून का एंजॉय कीजिए। एंजॉय क्या, घर पे रह के ही करेंगे। पहले ना जब स्कूल हुआ करता था मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इस मौसम में स्कूल जाना, कीचड़ वीचड़, गाड़ी चला के जाना, वो बच्चे को लेके रेडी होके खुद भीग जाओ एंड भीगना ना, वो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता है। भीगना तभी अच्छा लगता है कॉलेज टाइम में। आप भीग भाग के आओ एंड और उसके बाद कपड़ा चेंज करके आराम से कंबल में लपेट के बैठ जाओ और मम्मी ला के देंगे गर्मा गर्म चाय, तभी अच्छा लगता है। और अभी बच्चे को लेके आओ, फिर खुद रेडी हो, मतलब खुद कपड़ा चेंज करो, बच्चों को चेंज करो और उसके बाद कि जो खाना बनाओ, घर का काम करो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए अभी भीगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड मॉनसून के टाइम में रास्ते का जो हालत होता है ना, मुझे तो बहुत ही मतलब गंदगी लगती है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए अभी अच्छा लग रहा है। अभी लॉकडाउन है, मतलब जो ऑनलाइन क्लास है इसका मज़ा अभी ही है, क्योंकि आराम से घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लास करो, स्कूल जाने का टेंशन नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, जो भी कहो, स्कूल जाने का टेंशन नहीं, क्योंकि स्कूल ले जाना लाना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होती है। सो इसीलिए मैं रिलैक्स हूँ सर्दी के मौसम में एंड जो बारिश के मौसम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही स्कूल चलने दो, ऐसा ही लग रहा है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और क्या कुछ होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आ चुके हैं किचन में और किचन में आते ही वीडियो बनाना होता है ना, तो पहला काम है कि कैमरा सेटअप करना। और कैमरा सेटअप करने के लिए ट्राईपॉड सेटअप करना होता है। ये मेरा जी का जंजाल हो चुका है अभी, क्योंकि ना ट्राईपॉड मैं यूज़ कर रही हूँ अभी रील्स बनाने के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियोज़ अलग तरह से बनता है, रील्स अलग तरह से बनता है, इसलिए ट्राईपॉड को बार बार मुझे सेट करना होता है। और बार बार ये सेट करते करते ना ये टूट भी चुका है अभी। तो पुराना सा एक ट्राईपॉड है, पुराना मतलब 6 महीना हो चुका है अभी, एक इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन अच्छा वाला लाऊंगी जब मेरा चैनल ग्रो होगा तभी लाऊंगी, यही सोचा है। अभी एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगी इसमें। और यहाँ पे हम बनाने लग गए हैं खिचड़ी। खिचड़ी की तो रेसिपी बहुत बार शेयर किया हुआ है, अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। और खिचड़ी दही और आलू चिप्स बना रही हूँ, फिंगर चिप्स। तो बस इतना ही था आज लंच में, सिंपल सा ही लंच बनाया था। आलू को मैं ऐसे कट करके ऐसे चिप्स बनाती हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, सो अच्छा लगता है। आज ना मेरा पेशेंट हो चुका है और मैं सुबह बोली नहीं, तो हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है अभी भी। लॉकडाउन सॉरी 2 बजे तक खुला है, 1 बजे तक एसेंशियल गुड्स का आइटम। तो मैं सुबह बोली नहीं लाने को, हस्बैंड अभी है नहीं और ड्यूटी गए हैं, तो अगर बोलूँगी ना तो डांट पड़ेगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब पैसा नहीं होता है और मुझे चिप्स बनाना होता है, देखिए मैंने आलू कट के रखा है, चिप्स बनाना है, तो थोड़ी सी चावल
और थोड़ी सी चना दाल मैं भिगो लेती हूँ, इसे पेस्ट बना दूंगी, ग्राइंडिंग कर लूंगी, तो ये पूरा बेसन की तरह ही काम करेगा, बहुत ही क्रिस्पी होता है हमारा चिप्स। तो चलिए ग्राइंडिंग करती हूँ और बनाती हूँ। बहुत दिनों से हमारे किचन की ये वाली हिस्सा साफ सफाई नहीं हुई थी, तो अभी हो रही है साफ सफाई। बहुत ऑयल हो चुका है ये, मैं स्टिकर दी हूँ, वॉलपेपर दी हूँ, लेकिन वो भी गंदा हो चुका है अभी। देखिए कितना ऑयल हो चुका है, क्योंकि वो वाला जो पार्ट है ना, जो देख रहे हैं वो जो जाली है वो खुला नहीं है, इसी वजह से इतना ऑयल हो रहा है, नहीं तो इतना ऑयल नहीं होता। एंड ये तो मैं रोज साफ कर देती हूँ, ये वाला मैं रोज साफ कर देती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता है। बारिश के मौसम में कभी कभी हल्का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बस आज मीठी खिचड़ी, दही और उसके साथ आलू चिप्स था, बस इतना ही। और आज का मेरा ब्लॉग भी बहुत से छोटा सा ही था, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नए है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जब मैं बोलती हूँ लोग लाइक करते हैं, नहीं तो लाइक नहीं करते हैं, ऐसा मत करना, लाइक कर देना। लाइक करने से आपकी मोटिवेशन मिलती है, हाँ किसी को वीडियो अच्छी लग रही है जिससे कि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, लेकिन लाइक एंड व्यूज़ नहीं आते तो मोटिवेट नहीं होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो, इसीलिए बोल रही हूँ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लॉट्स ऑफ लव टू यू।